नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शिवम अग्निहोत्री, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे एनल फिशर के बारे में। मैंने एक पाइल्स भी पहले वीडियो बनाया है, आज मैं एनल फिशर पर वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों पाइल्स, एनल फिशर और फिशुला, इसको भगंदर कहते हैं, इन तीनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। आज मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा तो ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। पाइल्स में दोस्तों क्या होता है, हमारी जो अंदर गुदा द्वार में जो नसें होती हैं, नसों में सूजन आ जाना या नस का कट जाना पाइल्स होता है। दूसरा हमारा एनल फिशर है, अगर आपका जो मल द्वार है, गुदा द्वार है, जो अपना रेक्टम ओपनिंग है, वहाँ पे कट लग जाना एनल फिशर कहलाता है। तीसरा है फिस्चुला, जिसको भगंदर कहते हैं, इसमें क्या होता है, जो आपका रेक्टम है, एनल द्वार है, उसके थोड़ा सा कुछ सेंटीमीटर दूर एक फुंसी या फोड़ा टाइप का हो जाता है, वो कुछ दिन में फूट भी जाता है, फिर से हो जाता है, उसमें से पस निकलता है, ब्लीडिंग आती है। वो क्या होता है, जो आपका एनल द्वार है, एनल कैनाल है जो आपकी, वहाँ से दूसरा एक पाथवे, एक दूसरा रास्ता बना के उसकी ओपनिंग खुलती है आपके रेक्टम के थोड़ा सा कुछ सेंटीमीटर दूर एक खुंसी, तो वो अलग से रास्ता एक पूरा बन जाता है एनल कैनाल से, एक दूसरा रास्ता बन के वो खुंसी वहाँ पे निकलती है। इसका भी आप ऑपरेट ना कराएं, इसकी भी होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छी है, मैं आगे वीडियोज़ का ही बनाऊँगा। तो मैंने तीन ये बातें आपको बताई हैं तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। अब हम बात करते हैं एनल फिशर के बारे में। तो इसमें जो आपकी रेक्टम है, जो ओपनिंग है, एनल कैनाल है, जो आपका मल द्वार है, वहाँ पे कट लग जाना, ये ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन पेशेंट है उनको ज़्यादा रहता है। कॉन्स्टिपेशन की वजह से रोज मोशन हार्ड हो जाता है और वहाँ पे कट लग जाता है, ये बहुत जल्दी ठीक भी हो जाता है, बार बार होता रहता है, बार बार ज़्यादा दिन तक होता रहे तो ये प्रॉब्लम आगे चल के ज़्यादा बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं इसके साइन और सिम्टम की। तो आपको मोशन करने में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, बहुत ज़्यादा जलन होती है, ब्लीडिंग भी आती है, कहीं बैठने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, ज़्यादा देर तक आप बैठ नहीं सकते। अब हम बात करते हैं इसके कुछ बचाव और उपचार के बारे में। तो दोस्तों फाइबर डाइट बहुत ज़्यादा लें आप, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, कुछ भी आप ऐसा करें जिससे आपका मोशन टाइट ना हो, आपको लेटन बहुत ही सॉफ्ट हो और आराम से आपको हो जाए। इसके लिए आप चाहे होम्योपैथी में ग्लेक्सो सॉफ्ट पाउडर आता है हेप्टिको कंपनी का, मैं पिक्चर लगा दूंगा, और होम्योपैथिक में टेबलेट्स आती हैं येलो टेबलेट्स, उसको 2 टेबलेट आप शाम को ले लें तो आपको मोशन सुबह बहुत अच्छे से फ्री हो जाएंगे और मोशन टाइट भी नहीं। अब हम बात करते हैं एनल फिशर की होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। सबसे बेस्ट मेडिसिन दोस्तों एक A69 ड्रॉप आता है, इसको आप लीजिए, इसको 10 से 15 बूंद दिन में 3 बार आपको सुबह दोपहर शाम लेना है 3 बार। दूसरी मेडिसिन है बायोकेमिक नंबर 17, ये टेबलेट फॉर्म में आती हैं, इसमें से 4-4 टेबलेट आपको दिन में 3 बार लेना है, सुबह दोपहर और शाम को। और एक टोपी एस्कुलस ऑइंटमेंट आता है, ये आप ऑइंटमेंट वहाँ पे लगाएं तो वो घाव भी जल्दी भर जाएगा और आप जो मोशन है वो सॉफ्ट तरीके से आपको हो जाएगा, ज़्यादा दर्द नहीं होगा। ये 3 चीज़ें कीजिए दोस्तों, एनल फिशर आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा।